सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा में। तो कल के क्लास में हमने क्या प्रश्न और उत्तर देखे हैं? तो उसे समय ही धन है, समय ही धन है, इस पाठ के हमने प्रश्न और उत्तर देखे हैं। तो आज के देखेंगे उसके आगे के प्रश्न। ओके, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। तो क्या है उसमें, किसने किससे कहा, कब और कब कहा, वो भी है, वो आप हमें नहीं लिखेंगे। ओके, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, किसने किससे कहा। तो पहला है अजय बेटा क्या बात है, अजय बेटा क्या बात है, किसने कहा, स्कूल से आते ही पूछा है, किसने बोला है, ये माँ ने अजय से कहा। क्या है इसका उत्तर, माँ ने अजय से कहा। तो उत्तर क्या लिखने का, उत्तर माँ ने अजय से कहा। हाँ, इसका उत्तर कब और क्यों कहा, ये सभी लिखा। तो अजय पाठशाला से आते ही माँ ने उसका उदास चेहरा देखा, तब कहा, ये इतना सभी लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या, तो माँ ने अजय से कहा, इतना है क्या। अजय बेटा क्या बात है, ऐसा पूछते हैं ना माँ आने के बाद, अजय पाठशाला से आने के बाद क्या पूछते हैं, अजय बेटा क्या बात है। तो एक और पूछते हैं, माँ ने अजय से कहा। दूसरा है ख बेटा समय की परवाह करनी चाहिए, बेटा समय की परवाह करनी चाहिए, किसने कहा है, पिताजी ने अजय से कहा। दूसरे का उत्तर है, उत्तर क्या है, पिताजी ने अजय से कहा, पिताजी ने अजय से कहा। क्या कहा, बेटा समय की परवाह करनी चाहिए, यह कहा। तीसरा है, इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय अनमोल है, इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय अनमोल है, किसने कहा ये, पिताजी ने अजय से कहा। ये भी क्या है उत्तर, पिताजी ने अजय से कहा। पिताजी ने अजय से पिताजी ने जैसे कहा। चौथा है, ठीक है जो हुआ सो हुआ, ठीक है जो हुआ सो हुआ, किसने कहा, पिताजी ने अजय से कहा। इसका उत्तर क्या है, पिताजी ने कहा,
पिताजी ने अजय से कहा। तो ये हो गए किसने किसे कहा। देखो पहला कहा है अजय बेटा, क्या बात है, किसने बोला है, ये माँ ने अजय से कहा। दूसरा है बेटा समय की परवाह करनी चाहिए, किसने कहा, पिताजी ने अजय से कहा। तीसरा है इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय अनमोल है, किसने कहा ये भी पिताजी ने अजय से कहा। चौथा है ठीक है जो हुआ सो हुआ, तो ये किसने कहा, ये भी पिताजी ने अजय से कहा। तो अभी क्या है देखो, नीचे दिए गए वाक्य पाठ के अनुसार क्रम में लिखे, मतलब नीचे थोड़े वाक्य दिए हैं, मतलब सेंटेंसेस दिए हैं, हाँ, तो वो हमारे पाठ में जैसे आए हैं वैसे क्रम में लिखना है, हाँ, जो वाक्य पहले आया था उसको पहला नंबर देना है, उसके बाद जो आया है उसको दूसरा नंबर देना है, उसके बाद जो वाक्य आया है उसको तीसरा नंबर देना है, लास्ट में जो वाक्य आया है उसको चौथा नंबर देना है। मतलब हमारे लेसन हमारे पाठ में जो पहला वाक्य आया था, पहला सेंटेंस जो आया था उसको क्या करना है, हमें पहला क्रमांक देना है, मतलब पहला नंबर देना है। तो अब हम देखेंगे, देखो ये देखो ठीक, मैं पहले आपको क्या बोलती हूँ पढ़ के बोल दूँ तो आपके समझ में आएगा। देखो ठीक है जो हुआ सो हुआ, ठीक है जो हुआ सो हुआ, कौन कहते हैं, पिताजी कहते हैं, कभी कहते हैं लास्ट में कहते हैं, हाँ, माँ ने बेटा समय की परवाह करनी चाहिए, बेटा समय की परवाह करनी चाहिए, हाँ, ये भी एक किसने कहा, ये भी पिताजी ने अजय से कहा है। मैं स्कूल देर से पहुंचा, ये किसने बोला है, अजय ने माँ से, माँ और पिताजी से कहा है, अजय ने माँ और पिताजी से कहा है। अभी लास्ट शब्द है अजय बेटा, क्या बात है, अजय बेटा क्या बात है, ये किसने कहा है, माँ ने अजय से कहा है। तो हमारे ये लेसन में इसमें से पहला वाक्य कौन सा आया है, पहला वाक्य कौन सा आया है, देखो अजय बेटा क्या बात है, यह पहला सेंटेंस आया है, यह पहला वाक्य आया है, तो इसको हमें एक नंबर देना है, इसे एक नंबर देना है। बाद में कौन सा है, मैं स्कूल देर से पहुंचा, फिर अजय बेटा क्या बात है, ये माँ प्रश्न पूछने के बाद अजय क्या बोलता है, मैं स्कूल देर से पहुंचा, तो इसको दूसरा नंबर देना है, दूसरा, ये दो नंबर। बाद में कौन सा है, बेटा समय की परवाह करनी चाहिए, ये बीच या फिर आपके पाठ के बीच में है कि नहीं, तो ये कितना नंबर है इसका, तीसरा, बेटा समय की परवाह करनी चाहिए, इसका नंबर है तीसरा। और लास्ट में कौन सा है, ठीक है जो हुआ सो हुआ, ये कौन सा नंबर है, लास्ट सेंटेंस है उस पार्ट में है कि नहीं, हाँ, आपको ये देखना है, देख के कंफर्म करके लिखना है, ओके। तो ठीक है जो हुआ सो हुआ, यह कितने नंबर का है, फोर्थ नंबर, चार नंबर का ये वाक्य है, ये आपके पार्ट में सबसे लास्ट में है ये सेक्शन, ठीक है नहीं, हाँ, तो आप ये देख के करो। बाद में भी क्या है, सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं, सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। तो अभी क्या करती हूँ मैं कि आप जल्दी जल्दी लिखो, ये इरेज करती हूँ और बाद में मैं वो क्वेश्चन लिखती हूँ, ओके। ये है आपका सही उत्तर चुनकर
निशान लगाएं, सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। हाँ, तो क्या करना है, यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से सही कौन सा है यह चुनकर हमें क्या करना है, उस पर निशान लगाना है। तो पहला है अजय डैश देर से पहुंचा, अजय डैश देर से पहुंचा, कहाँ देर से पहुंचा अजय, घर देर से पहुंचा या स्कूल देर से पहुंचा, महीना देर से पहुंचा या दुकान देर से पहुंचा, कहाँ पहुंचा देर से अजय, स्कूल, कहाँ स्कूल, तो ये स्कूल के ऊपर हमें निशान लगाना है, ये जो स्कूल है उसके आगे जो बॉक्स है उस पर निशान लगाना है, सही निशान। दूसरा है अजय का डैश प्रश्न रह गया, अजय का डैश प्रश्न रह गया, कौन सा, यहाँ है देखो पहला प्रश्न रह गया या तीसरा प्रश्न रह गया, आखिरी प्रश्न रह गया या दूसरा प्रश्न रह गया, कौन सा प्रश्न रह गया, अजय का आखिरी प्रश्न रह गया, तो ये तीसरे आखिरी पर हमें क्या करना है, निशान लगाना है, आखिरी अजय का आखिरी प्रश्न रह गया। देखो तीसरा, अच्छे अच्छे मौके ब्याज से निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे मौके ब्याज से निकल जाते हैं, तो कहाँ से निकल जाते हैं, जेब से निकल जाते हैं, अच्छे मौके जेब से निकल जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, जीवन से निकल जाते हैं या घर से निकल जाते हैं, कहाँ से, अच्छे अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं, तो ये दूसरा दूसरे के इस पर हमें क्या करना है, इसे निशान लगाना है, अच्छे अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं, हाँ अगर समय की परवाह ना हो तो अच्छे अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। चौथा है इसीलिए डैश कहते हैं कि समय की धन है, इसीलिए डैश कहते हैं कि समय की धन है, कौन कहते हैं, लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं, भाई कहते हैं या पड़ोसी कहते हैं, कौन कहते हैं, समय ही धन है, ऐसा कौन कहते हैं, लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े, भाई या पड़ोसी, कौन कहते हैं, बड़े बूढ़े, तो यहाँ दूसरे नंबर पर हमें टिक लगाना है। देखो इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय ही धन है, हाँ तो ये हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब सही उत्तर सुनकर निशान लगाएं, तो ये चार हमने लिखकर क्या के उस पर निशान लगाया है। तो और क्या है, पेज नंबर 13 और 14 वो क्या करेंगे हम कल की क्लास में देखेंगे, तब तक आपको क्या करना है, हाँ किसने किससे कहा और नीचे दिए गए वाक्य पाठ्य के अनुसार क्रम में लिखे वो और ये, हाँ कौन सा, सही उत्तर चुनकर निशान लगाए, ये क्या करना है आपके नोटबुक में लिखना है कंपलसरी, हाँ और ये क्लास वर्क और ये होमवर्क, होमवर्क क्या करना है आपको, वन टाइम होमवर्क, ये होमवर्क भी आपको एक बार लिखना है, ओके सो ये तीनों का भी क्लास वर्क और होमवर्क दोनों भी आपको करना है। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे कब आप हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो धन्यवाद।